बहुधर्मी राज्य बनने की एक लंबी दास्तान है, लेकिन इससे कोई इनकार नहीं कर सकता कि बंगाल की बुनियाद सनातन पर आधारित है। उसी बुनियाद पर राष्ट्रवाद का शांति निकेतन बना। तमाम शासकों का शासन झेलने वाले बंगाल ने आजादी की अलख जगाई, लेकिन आजाद होने के बाद यही बंगाल सियासत का एक ऐसा शिकार बनता चला गया कि 70 साल के गणतंत्र ने बंगाल ने सिर्फ और सिर्फ गणतंत्र देखा। उसी रक्त रंजित सियासत की देन है कि आज की मौजूदा सरकार आए दिन धमकियां देती है। भगवा से तो ऐसा भय है कि योगी आदित्यनाथ के आने से पहले ही ममता बनर्जी की बौखलाहट नजर आने लगी। योगी ने अभी यलगार किया है और ममता की पार्टी में हाहाकार मच गया। नानूर जाने वाले योगी आदित्यनाथ को ममता दीदी धमकी दे रही है। दूसरी तरफ ममता दीदी ये कह रही है कि वो सियासी फुटबॉल के खेल में गोलकीपर है और बाकी स्ट्राइकर, लेकिन फिलहाल तो दीदी सेल्फ गोल से ही परेशान है। ऐसे ही फाउल होता रहा दीदी तो आपका आउट होना भी तय है। बंगाल में उनकी सत्ता उनकी टीम के हाथ टूटने से ही गिर ना जाए। कल अमित शाह ने सीए का ऐलान किया कि तो सियासी हलके में तूफान आ गया। हालांकि ये बीजेपी के परिवर्तन प्लान का हिस्सा है और अमित शाह ने खुला चैलेंज किया है कि दीदी रोक सके तो रोक लीजिए। बीरभूम बंगाल की वो धरती जहां शांति निकेतन स्थापित किया गया, यानी ये धरती शांति का संकेत देती है, लेकिन यही वो धरती है जिसे सियासत के खूनी इरादों ने सुर्ख लाल कर दिया। और इसी रक्त रंजित सियासत की बुनियाद पर ममता बनर्जी योगी आदित्यनाथ को धमकी दे रही है, जो शनिवार को नानूर पहुंच रहे हैं जहां 21 साल पहले हुआ था एक नरसंहार। अमरा काड़ा लोड़चे काड़ा लोड़ में काड़ा दीदी ऐसे बहुत अच्छा है, सच्चा बात करेगा, लेकिन दीदी को टकराएगा तो चूर चूर हो जाएगा। ममता दीदी आपकी तानाशाही पूर्ण सरकार, गुंडों को प्रश्रय देने वाली सरकार, दंगों को भड़काने वाली सरकार बहुत दिनों की मेहमान नहीं है। इसकी एक्सपायरी डेट बंगाल की जनता लिखने जा रही है। गुंडा गद्दारी नहीं चलेगा, ये बंगाल है, ये बंगाल है, ये यूपी में चलता है, आपको यूपी में बहुत बहुत चलता है, लोगों को तो बाहर में निकालना भी नहीं होता है, लेकिन बंगाल में नहीं चलेगा। कुमारी ममता बनर्जी, उन्हें आप दीदी कहते हैं, लेकिन उन्हें दीदी धर्म का निर्माण कभी नहीं किया, भारत माता की। शनिवार को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और बीजेपी के आक्रामक नेता योगी आदित्यनाथ बंगाल में यलगार करने वाले हैं और उनके नानूर पहुंचने के पहले ही टीएमसी में खलबली मच गई है। आया भदवा ब्रिगेड का बाहुबली, ममता की सेना में मची खलबली। हर प्रकार की गुंडागर्दी और अराजकता की छाती पर चढ़ करके भारतीय जनता पार्टी का प्रचंड लहराएंगे और बंगाल की जनता को इस तानाशाही व्यवस्था से मुक्त करने का कार्य भारतीय जनता पार्टी। योगी आदित्यनाथ बीरभूम जिले के नानूर पहुंचने वाले हैं और उससे पहले ममता बनर्जी ने एक तरह से योगी महाराज को धमकी देते हुए उस नरसंहार की याद दिलाई जिसे 21 साल पहले अंजाम दिया गया था। किसने कहा कि योगी आदित्यनाथ बंगाल आ रहे हैं? आने दो योगी आदित्यनाथ को। क्या योगी आदित्यनाथ जानते हैं कि नानूर में क्या हुआ था? जो भी यहां आना चाहता है उसे आने दो। ममता बनर्जी को आखिर योगी आदित्यनाथ के बंगाल में आने से डर क्यों लगता है? क्यों ममता दीदी नानूर में होने वाले नरसंहार की याद दिला रही है? आखिर क्या हुआ था नानूर में और मौजूदा वक्त में वहां के क्या हालात? लोकतंत्र और संविधान में सुश्री ममता बनर्जी और टीएमसी का कोई विश्वास नहीं है। कौन से टकराएगा? चूर चूर हो जाएगा। कौन से टकराएगा? चूर
योगी आदित्यनाथ नानूर में होंगे और ऐसे वक्त में नरसंहार की याद दिलाकर ममता ये भी जताना चाहती है कि ये वो इलाका है जिसके जख्मों पर मरहम लगाकर वो यहाँ के लोगों के दिलों में बस गई। लेकिन ये भी सच है कि नानूर के जख्मों को बार बार हरा करके टीएमसी की इमारत खड़ी की गई। सुश्री ममता बनर्जी के नेतृत्व की टीएमसी सरकार या अलोकतांत्रिक और असंवैधानिक कार्यों में लिप्त सरकार है। इसका लोकतांत्रिक मूल्यों में कोई विश्वास नहीं है और यही कारण है कि मुझ जैसे सन्यासी और योगी को भी यह बंगाल की धरती में नहीं आने देना चाहती है। जे दीदी बात दोबे, दीदी बात दोबे ना, दीदी कोला कट दबे, जे दीदी बात दोबे, दीदी बात दोबे ना, दीदी कोला कट दबे। ममता दीदी की धमकी देने की आदत गई नहीं। कभी गुस्सा हो जाती है, कभी चिढ़ जाती है, कभी बेवजह की बातें बोलने लगती है। जरा हम्बा हम्बा रो रो करे, हम्बा हम्बा रम्बा रम्बा कम्बा कम्बा, दुम्बा दुम्बा बुम्बा बुम्बा बम्बा बम्बा। आज हम आपको उस नानूर ले चलेंगे जहां से ममता बनर्जी योगी आदित्यनाथ को धमकी दे रही है। हम भी जानने निकले हैं कि आखिर एक मुख्यमंत्री दूसरे मुख्यमंत्री को चैलेंज क्यों कर रही हैं? आखिर ऐसा क्या हुआ था नानूर में जिसकी धमकी ममता बनर्जी दे रहे हैं? और यही जानने के लिए नानूर का सफर इस वक्त मैं कर रही हूं ताकि जान सकूं कि नानूर में ऐसा क्या है जो नासूर बन गया। बीरभूम के नानूर थाने में आने वाले गाँव सुचपुर में वो पाव फूटने से पहले की खामोशी थी। आसपास के गांव में भी सन्नाटा था। हालांकि कुछ देर बाद यहां वो शोर होने वाला था जो पूरे देश को हिला देने वाला था। कुछ लोग हथियारों के साथ गांव में दाखिल हुए। कहा जाता है कि ये सीपीएम पोलित ब्यूरो के नेताओं के बुलाने पर आए खतरनाक अपराधी थे। 4 बीघा जमीन जोतने को लेकर एक जंग थी। सरकार ने भूमिहीन मजदूरों को जमींदारों की जमीन दी थी और वामदल के नेता अपनी ही सरकार के फैसले के खिलाफ मजदूरों को किसान बनने नहीं देना चाहते थे। सुचपुर गांव में मुस्लिम, आदिवासी और दलित मजदूर रहा करते थे। उनके हाथों से जमीन का टुकड़ा छीनने की नियत से सीपीएम के गुंडे पहुंचे। जांचशीट के मुताबिक 82 लोगों ने साजिश का ताना बाना बुना था और इसी के तहत 27 जुलाई 2000 को तड़के शुरू हुआ मौत का खेल। 27 जुलाई सन 2000 सुबह की खामोशी को चीरते हुए कई राउंड गोलियां ठीक इसी जगह पर चली जहां इस वक्त मैं खड़ी हुई हूं। पॉप हटी भी नहीं थी। हथियारों से लैस कई लोग यहां पर पहुंचे और 11 लोगों को चुन चुन कर मार दिया गया। वजह बनी जमीन का टुकड़ा। नानूर को बमों का खान कहा जाता है। यहां आए दिन बम बंदूक बरामद होते रहते हैं। लोग खुलेआम बंदूक लेकर घूमते हैं और इसी नानूर थाने में आने वाले सुचपुर गांव में हुए 21 साल पुराने नरसंहार के जख्म को फिर से कुरेदा गया और उसी का सच दिखाने के लिए जी हिंदुस्तान रिपोर्टर शालिनी कपूर तिवारी ने की है चाबाज रिपोर्टिंग। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। बता दो, बीजेपी ने पार्टी सांसदों के लिए जारी व्हीप जारी कर दिया है। कल लोकसभा में सभी पार्टी सांसदों को मौजूद रहने का निर्देश जारी किया गया है। कल कोई अहम बिल सदन में ला सकती है सरकार। कल सुबह 10 बजे से लोकसभा की कार्यवाही चलेगी जहां सभी पार्टी सांसद सरकार के रुख का समर्थन करते दिखेंगे। बात बंगाल की हो रही है और बात उस नानूर की हो रही है जहां नरसंहार की याद ममता दीदी दिला रही है। नानूर में जो मौजूदा हालात है वो बयां करते हैं कि विकास के नाम पर यहां कुछ नहीं है। मेरी सहयोगी शालिनी ने वहां की पड़ताल की तो पाया कि जिस सुचपुर में नरसंहार को अंजाम दिया गया वहां पीड़ित परिवार का नामो निशान तक नहीं मिला। फिर भी उन्होंने पास के गांव में पीड़ितों को से जो सुना वो दिल दहला देने वाला था। और ममता दीदी योगी आदित्यनाथ को शायद इसी डर का एहसास कराना चाहती है। बंगाल में बीजेपी की परिवर्तन यात्रा चल रही है जिसे बार बार रास्ते में रोक दिया जा रहा है या फिर रूट डायवर्ट कर दिया जा रहा है।
भगवा को लेकर टीएमसी में भय है और अब भगवा का सबसे बड़ा झंडा बरदार बंगाल में एंट्री मारने वाला है। योगी आदित्यनाथ बीरभूम में नानूर थाने में आने वाले किरणहर गांव में परिवर्तन यात्रा में शामिल होंगे और योगी का भय कहें या टीएमसी की धमकी, ममता बनर्जी ने योगी को याद दिलाया कि उन्हें नानूर के बारे में जान लेना चाहिए। वही नानूर जहां 21 साल पहले नरसंहार हुआ था। पश्चिम बंगाल में राजनीतिक हिंसा का इतिहास बहुत पुराना रहा है। जब भी सत्तारूढ़ दल को कोई पार्टी चुनौती देती है तो फिर लाशें बिक जाती हैं, खून खराबा होता है। आज से 21 साल पहले सुचपुर नरसंहार के वक्त ठीक इसी जगह जहां मैं अभी खड़ी हूं, फिर से सुनिए, ठीक इसी जगह जहां मैं मौजूद हूं, यहां पर लाशें बिछी हुई थी। अब 21 साल बाद उस नरसंहार को भुलाने की जगह बीजेपी जब सबसे बड़ी पार्टी बनकर के उभरी है तो ममता बनर्जी उस इतिहास को भुलाने की जगह गड़े मुर्दे उखाड़ रही है। नानूर उस नासूर को भुलाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन सियासत है कि वो भयानक मंजर इन उदास चेहरों के सामने ले आती है। चार आदमी को उसी हरम सीपीएम को हरमत वाहिनी उसका मार दिया। सबसे पहला सबसे मेरा वो आदमी को मैंने जुल्म किया और ये हमारा जो आदमी उधर काम करते जा उधर उनको मार दिया। गांव के लोग वो लाशों को उठा के ले आया था, वो उठा के ले कर बसा पड़ा जो बाजार था वहाँ पे रखे। ममता दीदी आकर बोला आप लोगों को टेंशन नहीं है, हम हैं, हम देखेंगे। सुचपुर में उस वाक्यों को लेकर के कोई बात नहीं करना चाहता, लेकिन पास के दूसरे गांव दनियोपुरा में चार लोगों की हत्या की गई थी और वो उसे याद कर कांप जाते हैं। योगी आदित्यनाथ को कुछ ऐसा ही भय ममता दीदी देना चाहती हैं। वो यही दिखाने की कोशिश में थी कि योगी आदित्यनाथ को पता होना चाहिए कि नानूर किस लिए जाना जाता है। जाहिर है ये बम और बंदूक की धमकी है। और इस वक्त एक बड़ी खबर सुन लीजिए, टिकैत से जुड़ी राकेश टिकैत जिनका सियासी प्लान सामने आ चुका है। राकेश टिकैत का सियासी प्लान सुनिए, अब वो गुजरात को आजाद करवाना चाहते हैं। राकेश टिकैत ने कहा है कि वो गुजरात को आजाद कराना चाहते हैं, आंदोलन का सियासत से वास्ता नहीं है लेकिन गुजरात को आजाद कराना चाहते हैं। दिल्ली घिरी है, सरकार को अक्टूबर तक का टाइम दे रहे हैं। दिल्ली की सीमाओं पर पैदल भी आएंगे लोग। ये गिर तो रही, और लोग भी आएंगे, इसमें पैदल भी आएंगे, अब जत्थे आएंगे पूरे देश में जाएंगे। हम गुजरात को आजाद करवाना है, गुजरात आजाद नहीं हुआ, पॉलिटिक्स का कोई मतलब नहीं, यहाँ कोई राजनीति वोट ना तलाश करे इस आंदोलन में। बंगाल की बात सुन लीजिए, जब जब आप बंगाल के चुनाव को समझने की कोशिश करेंगे सवाल उठेगा कि दीदी के धमकाने से क्या योगी आदित्यनाथ डर जाएंगे, क्योंकि ऐसा प्रयास वो पहले भी कर चुकी हैं और तब मोदी और आक्रामक होकर बंगाल में बरसे थे। अंदाजा लगाइए कि इस बार क्या होगा। बम बंदूक और बारूद की रक्त रंजित सियासत से बंगाल लाल हो रहा है और दीदी की धमकियों में इसी का अक्स मिलता है। हालांकि योगी आदित्यनाथ से ममता दीदी पहले भी खौफ खाती थी और 2019 लोकसभा चुनावों के वक्त उनके बंगाल में रैली करने पर रोक लगा दी थी, लेकिन ये वो योगी आदित्यनाथ हैं जिन्होंने यूपी में गुंडों का दाना पानी बंद कर दिया है। टीएमसी के गुंडे उद्योग धंधों को बंद कर रहे हैं, जबरन गुंडा टैक्स वसूली होता है। भाइयों बहनों, ये गुंडा टैक्स यहाँ पर कम्युनिस्ट रहे हों, कांग्रेसी रहे हों या टीएमसी के लोग आ गए हैं, इनकी डीएनए का हिस्सा बन चुका है, लेकिन भाजपा शासित राज्यों में गुंडा टैक्स कोई नहीं वसूल कर सकता। वहां पर गुंडों के लिए दो ही जगह है, या तो जेल जाओ या राम नाम सत्य है की यात्रा पे निकलो, और तीसरी कोई जगह नहीं हो सकती है। हिंदी सिखाएगा ये? हम तो उसको कान पकड़ के हिंदी सिखा देगा। क्या मेरे को
उसको हिंदी सिखाएगा, ए हम तो उसको कान पकड़ के हिंदी सिखा देगा। ममता के डर की वजह यही नहीं है, योगी आदित्यनाथ की बेबाकी ऐसी है कि वो पश्चिम बंगाल में आस्था पर अटैक करने के हर वाक्य पर ममता सरकार की पोल खोल देते हैं। जब यहाँ अनुष्ठान होता है, पूजा होती है, तो यहाँ पर सरकार के द्वारा कहा जाता कि शंख मत बजाइए, घंटा मत बजाइए, घड़ियाल मत बजाइए, डमरू मत बजाइए। ये कौन सी धर्मनिरपेक्षता है जहाँ पर यहाँ के लोगों को उनकी आस्था से वंचित करने का कुत्सित प्रयास किया जा रहा है। मुस्लिम तुष्टिकरण के लिए ममता का नाम चर्चित है और ये वो कमजोर रग है जिसे छुए बिना बीजेपी रह नहीं सकती। ममता की योगी से डरने की ये भी एक वजह है। यहाँ पर दुर्गा पूजा नहीं करने दिया था, यहाँ की सरकार जब दुर्गा पूजा और मुहर्रम एक साथ आए, पूरे देश के अंदर आया था, उत्तर प्रदेश में मैंने कहा कि दुर्गा पूजा में कोई व्यवधान नहीं पड़ने देंगे और उत्तर प्रदेश के अंदर दुर्गा पूजा का भी आयोजन हुआ था, मुहर्रम के भी जुलूस निकले थे, शांति कुंडन से सारे कार्यक्रम हुए थे, लेकिन बंगाल में टीएमसी की दीदी की सरकार ने जबरदस्ती यहाँ पर दुर्गा पूजा को रोकने का कुत्सित प्रयास किया था और तब हाई कोर्ट ने कहा था कि जैसे उत्तर प्रदेश में अगर दुर्गा पूजा और मुहर्रम एक साथ हो सकता तो बंगाल में क्यों नहीं हो सकता है। जाहिर है नानूर तो बहाना है, दरअसल अपनी धमकी की आड़ में दीदी अपनी घबराहट अपने डर को दबाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ वो नाम है जिसने हैदराबाद में अपनी धमक से ओवैसी बंधुओं की नींद हराम कर दी। अब बारी बंगाल में ममता बनर्जी की है। और अब एक खबर किसानों के लिए, जो अच्छी खबर समझिए, देश का पहला सीएनजी ट्रैक्टर लॉन्च हो गया है। केंद्रीय मंत्री गडकरी और धर्मेंद्र प्रधान ने ये ट्रैक्टर लॉन्च कर दिया है। नितिन गडकरी और धर्मेंद्र प्रधान ने इस ट्रैक्टर को लॉन्च किया, किसानों से जुड़ी एक अच्छी खबर, देश का पहला सीएनजी ट्रैक्टर लॉन्च हुआ है। बंगाल की सियासी जंग को समझा रही हूं और इस जंग में फुटबॉल की एंट्री हुई है, कैसे कहां ब्रेक के बाद समझाऊं। बंगाल की सियासी जंग में फुटबॉल की एंट्री हो चुकी है। फुटबॉल बंगाल का लोकप्रिय गेम भी है। 7 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हल्दिया में ममता सरकार के फाउल गिनाए थे, तो गुरुवार को ममता दीदी ने खुद को बंगाल का गोलकीपर बता दिया। उन्होंने कहा वो बंगाल को भगवा से बचा कर रखेंगी, लेकिन हकीकत यह है कि दीदी अपनी पार्टी ही नहीं बचा पा रही। उनके पाले के खिलाड़ी मैदान छोड़कर हर दूसरे दिन दूसरी टीम में शामिल होते जा रहे हैं। गोलकीपर दीदी कर रही है सेल्फ गोल। অত সোজা খেলা নয়, খেলা মানে কি আসুন না হয়ে যাক একটা খেলা। टीम में भगदड़, कैसे बचाएंगी बंगाल। के साथ कहता हूं मैं आज यहां से इस्तीफा दे रहा हूं। तम तमाई ममता ने दिया गोल चैलेंज। बीजेपी हिंदू दे वोट देवे और मुस्लिम दे वोट देवे और हमें की काटा कोला खाओ। टीएमसी ने कई फाउल कर लिए हैं। बंगाल की सियासी लड़ाई फुटबॉल का मैदान बन चुकी है। बीजेपी और टीएमसी की धुरंधर टीम्स की तरफ से ताबड़तोड़ गोल दागी जा रही है। बीजेपी के पास युवा जोश और मोदी शाह जैसे धुरंधर कोच हैं।
तो टीएमसी भी अनुभवी गोलकीपर दीदी के दम पर मैदान पर टिकी है। गुरुवार को ममता बनर्जी ने कहा कि वो बंगाल को बचाने के लिए गोलकीपर की भूमिका अदा करेंगी। उन्होंने बीजेपी, कांग्रेस और सीपीआई को गोल करने की चुनौती दे डाली। जय श्री राम, जय श्री राम। खेला माने की आसुन ना हो जाग একটা খেলা, গণতন্ত্রের খেলা, পরীক্ষার খেলা, রাজনীতির খেলা। ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ডে করবেন, একদিকে আপনারা থাকবেন, আপনারা আরো তিনটে কংগ্রেস সিপিএম কেও সাথে দিয়ে দিলাম, জগাই মাধাই গোদাই একসাথে থাকবেন, আর তৃণমূল কংগ্রেস একা থাকবে। আর আমি কিন্তু গোলরক্ষক, আমি কিন্তু অন্য কোনো কাজ করব না, আমি শুধু দেখব কটা গোল আপনারা দিতে পারেন, খেলায় কে জেতে আর খেলায় কে হারে। চুপচাপ রহো আর কুছ নেই কে সকতে হো, উসসে আচ্ছা হ্যায় কি ইয়াহাঁ সে আপ ত্যাগপত্র দো আর জাকে বঙ্গাল কি ভূমি মে ইসকে লিয়ে ভি ইসকে লিয়ে ডিউ প্রসেস হ্যায় মাননীয় চেয়ারম্যান সাহেব কো, মাননীয় চেয়ারম্যান সাহেব কো কহতা হুঁ মেন আজ ইয়াহাঁ সে ইস্তিফা দে রহা হুঁ। বঙ্গাল মে চুনাবি টুর্নামেন্ট অভি শুরু ভি নেহি হুয়া, উসসে পহলে হি মমতা আকেলি পড় চুকি হ্যায়। ঝল্লাহট মে দিদি সেলফ গোল কর রহি হ্যায় और उनकी टीम ने एक के बाद एक कई फाउल कर दिए हैं। पिछले महीने हल्दिया में पीएम मोदी ने टीएमसी के कई फाउल गिनाए थे। टीएमसी ने एक के बाद एक कई फाउल कर लिए हैं। बंगाल के लोग सब देख रहे हैं, इसलिए अब बहुत ही जल्द बंगाल तृणमूल को राम कार्ड दिखाने जा रहा है। दीदी ने मतुआ समाज को ठगा, सिंगूर और नंदीग्राम के साथ धोखा किया है, फिर भी चुनावी मैच में उतरी ममता जीत के लिए सारे जतन कर रही है। लेकिन ना तो उन्हें अपने खिलाड़ियों का साथ मिल रहा है और ना ही जनता का समर्थन। तो इस वक्त पश्चिम बंगाल से ही जुड़ी ये खबर बड़ी खबर, जहां टीएमसी भी छोड़ सकते हैं दिनेश त्रिवेदी। आपको बता दूं कि आज ही राज्यसभा से इस्तीफा दे चुके हैं दिनेश त्रिवेदी और जल्द ही तृणमूल कांग्रेस भी छोड़ देंगे, पार्टी भी छोड़ देंगे, क्योंकि उन्होंने कहा कि यहां दम घुट रहा है, इससे अच्छा है कि यहां से त्याग पत्र दो। आपको तस्वीरें नजर आ रही होगी, पूजा पाठ करते हुए दिनेश त्रिवेदी की तस्वीरें, राज्यसभा से इस्तीफा दे चुके हैं और जल्द ही खबर यह कि टीएमसी भी छोड़ देंगे। पश्चिम बंगाल की माटी में फुटबॉल खूब खेला जाता है, लेकिन यह खेल आसान नहीं होता। खिलाड़ी में जबरदस्त जोश, ताकत, फुर्ती, हुनर और मजबूत इच्छा शक्ति की जरूरत होती है। ममता दीदी भले ही मजबूत इच्छा शक्ति और अनुभव का भंडार है, लेकिन टीम बेदम हो चुकी है, ना ताकत है और ना ही जोश। टीम के भरोसेमंद खिलाड़ी साथ छोड़ रहे हैं। सवाल यह कि क्या दीदी अकेली गोल पोस्ट बचा लेंगी। पश्चिम बंगाल में भगवा टीम पूरी ताकत के साथ विजय पथ पर सवार है। बीजेपी की टीम के धुरंधर खिलाड़ी पीएम मोदी और गृह मंत्री शाह की अगुवाई में शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं। परिवर्तन रथ यात्रा से बंगाल में बदलाव की पटकथा लिखने को तैयार है। गृह मंत्री अमित शाह ने सीएए के जरिए मतुआ समाज को बड़ा तोहफा देने का ऐलान किया, तो कैप्टन मोदी गोलकीपर दीदी पर ताबड़तोड़ हमला बोल रहे हैं। मतलब साफ है कि बंगाल का चुनावी मैच इस बार धुआंधार होगा। बीजेपी की किलेबंदी से दीदी गुस्से में लाल है। फुचका खबर क्षमता नहीं, फूल को लुची खाबे, आलू गोभी आलू दम दिए। बीजेपी की तैयारी तगड़ी है, खिलाड़ियों में जोश प्रचंड है। दूसरी तरफ टीम को अकेले लीड कर रही ममता के सामने साथियों को संभालने की चुनौती है। गोलकीपर दीदी की हालत आप खुद देख लीजिए। दीदी अकेले ही गोल पोस्ट पर जद्दोजहद कर रही हैं। टीम में ना तो फॉरवर्ड खिलाड़ी बचा है और ना ही रक्षा पंक्ति में कोई है। एक के बाद एक खिलाड़ी उन्हें राम कार्ड दिखाकर मैदान छोड़ रहे हैं। टीएमसी के राज्यसभा सदस्य दिनेश त्रिवेदी ने राज्यसभा से इस्तीफा दे दिया। इससे पहले नंदीग्राम के भरोसेमंद खिलाड़ी सुवेंदु अधिकारी ने साथ छोड़ा। सुवेंदु के साथ वैशाली डालमिया, राजीव बनर्जी, लक्ष्मी रतन शुक्ला, दीपक हल्दार,
सुनील मंडल और अरिंदम भट्टाचार्य जैसे कद्दावर भी दीदी को टाटा बाय बाय बोल चुके हैं। बुआ पिशी और बाइपो के अहंकार के कारण कोई भी स्वाभिमानी व्यक्ति टीएमसी में नहीं रह सकता। मुझे लगता है कि दिनेश जी ने बहुत देर कर दी। मुझे तो साल भर पहले एक बार एयरपोर्ट पे मिले थे, तब उन्होंने कहा था कि बहुत खराब स्थिति है, मैं बिल्कुल काम नहीं कर पा रहा हूँ। टीएमसी की तरफ से दिनेश त्रिवेदी के खिलाफ बहुत सारे कार्रवाई की गए थे, रेलवे मिनिस्ट्री से पदत्याग करने के लिए, रेजिग्नेशन देने के लिए दिनेश त्रिवेदी को मजबूर किया गया था। मैच से पहले ही टीएमसी बिखर रही है, जन समर्थन साथ छोड़ रहा है, ऐसे में दीदी की झल्लाहट खुलकर सामने आ रही है। गुस्से में वो आपा खो रही है। बीजेपी वॉशिंग मशीन, कालो हुए डूबे और सादा हुए बेरिये चले आज भी। वॉशिंग पाउडर भाजपा, कालो टा सादा और सादा टा कालो, तुमरा बेचे नहीं जो भालो, अमर अनेक शुभेच्छा थक भी। बीजेपी ने ममता को हर तरफ से घेर रखा है, मुद्दा चाहे विकास का हो, केंद्र की योजनाओं का बंगाल में ना लागू किए जाने का हो, या फिर CAA और नागरिकता का हो, बीजेपी नेता फ्रंट फुट पर खेल रहे हैं और TMC के गोल पोस्ट पर ताबड़तोड़ अटैक कर रहे हैं। और इस वक्त एक बड़ी खबर तमिलनाडु हादसे से जुड़ी, जहां मृतकों की संख्या बढ़कर 11 हो गई है। पटाखा फैक्ट्री में एक धमाका हुआ था, 11 की मौत, 36 लोगों के झुलसने की खबर। मृतकों के परिजनों को कुल 5-5 लाख के मुआवजे की बात हो चुकी है। इधर PM राहत कोष से भी 2-2 लाख का मुआवजा मिलेगा। CM ने मुआवजा देने की बात की गई है। बंगाल की सियासत को समझिए, ये कई मुद्दों के इर्द गिर्द घूम रही है। CAA भी उसमें ऐसा मुद्दा है जिसके इर्द गिर्द ये घूमने लगी है। गुरुवार को गृह मंत्री अमित शाह ने मतुआ समाज के गढ़ में ठाकुर नगर में जनसभा की और कोरोना वैक्सीनेशन के बाद CAA कानून लगाने का ऐलान भी कर दिया। उन्होंने कहा कि शरणार्थियों को नागरिकता का तोहफा मिलेगा और घुसपैठियों को बाहर भेजा जाएगा। शाह के ऐलान के बाद इस मुद्दे पर सियासत और गर्म हो गई। ठाकुर नगर में बोडो माँ के दरबार में अमित शाह ने शीश झुकाया और दीदी को चारों खाने चित करने वाली चाल चल दी। CAA की एंट्री के वादे के साथ उन्होंने बंगाल की सियासत के सारे समीकरण ही बदल डाले। CAA ऐसा चक्रव्यूह है जिसे तोड़ पाना दीदी के लिए मुश्किल ही नहीं नामुमकिन सा है। करीब 3 करोड़ की आबादी वाला मतुआ समाज पिछले कई दशक से नागरिकता की मांग कर रहा है। हम तो वो लोग हैं जो कहते हैं वो करते हैं। जैसे ही ये वैक्सीनेशन का काम समाप्त होता है, जैसे ही कोरोना से मुक्ति मिलती है, आप सभी को नागरिकता देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार समाप्त। देश की संसद का कानून है, आप कैसे रोकोगे? और वैसे भी अब रोकने की स्थिति में भी नहीं रहोगे। गृह मंत्री शाह के ऐलान से बंगाल की राजनीति में भूचाल आ गया है। CAA के दाव की काट दीदी के पास नहीं है, हालांकि वो कह रही हैं कि बंगाल में CAA लागू नहीं होने देंगी। विपक्षी नेताओं का कहना है कि बीजेपी चुनाव जीतने के लिए ऐसे मुद्दे लेकर आती है। चुनाव जीतने के लिए जाति धर्म का मुद्दा लेके आते हैं, मुझे लगता है इससे ज्यादा शर्म की बात किसी भी पार्टी के लिए नहीं हो सकती। और देश को सावधान रहने की जरूरत है, जाति धर्म के राजनीति में नहीं पड़ना है, हमें देश के बारे में सोचना है। एनआरसी CAA को लेके बीजेपी राजनीतिक लाभ लेने का काम करती रही है। बंगाल में चुनाव है, आसाम में चुनाव है, उन्हें लगता है कि फिर NRC और CAA के नाम पे वोट बटोरने का काम हो सकता है। हमें लगता है जब तक टीका लगेगा तब तक देश से मोदी जी की सरकार जा चुकी होगी। बंगाल में मतुआ समाज का 70 विधानसभा सीटों पर प्रभाव है, 10 लोकसभा सीटों पर वो निर्णायक भूमिका में है।
CAA के जरिए बीजेपी ने बंगाल में परिवर्तन का शंखनाद कर दिया है। एक कानून तो है, CAA कानून हम लोगों ने संसद से पास किया है और संसद के दोनों सदनों से पास हुआ है, और वो इस देश में है तो बंगाल में क्यों नहीं लागू होगा। CAA का मतलब समझें लोग, जो भी हमारे देश का बंटवारा हुआ धर्म के आधार पे, तो जो दूसरे लोग उस देश में प्रताड़ित हो रहे हैं, हम उनको नागरिकता देंगे और हम इलीगल घुसपैठ को रोकने के लिए सरकार हर कदम उठाएगी, क्योंकि जनता ऐसा चाहती है। अमित शाह ने साफ कर दिया है कि बीजेपी घुसपैठियों को घुसने नहीं देगी और शरणार्थियों को गले लगाएगी। अब देखना यह है कि विधानसभा चुनाव में बंगाल किसे गले लगाता है। विधानसभा चुनाव में जय श्री राम के मुद्दे से लगाकर सीए तक के कदम तक ममता दीदी सचमुच से रोक पाएगी या नहीं, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा, क्योंकि ये लड़ाई बहुत तेज होती जा रही है। फिलहाल वंदे मातरम में इतना ही, कल इसी तय वक्त पर मिलूंगी। लेकिन जाते जाते ये देखिए कि देखो जी हिंदुस्तान जीतो इनाम के विजेता कौन आज है। कल मैंने आपसे पूछा था भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है, इसका सही जवाब है मोर, और इसके विजेता हैं पूर्वी चंपारण बिहार से संजय कुमार। और अब जाते जाते आप आज का सवाल भी सुन लीजिए। और अब बारी है देखो जी हिंदुस्तान जीतो इनाम की। हमारा आज का सवाल है, भारत का सर्वाधिक साक्षर राज्य है ए उत्तर प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी राजस्थान या डी केरल। जवाब देने के लिए जी हिंदुस्तान ऐप डाउनलोड करिए, देखो जी हिंदुस्तान जीतो इनाम का बटन दबाइए, सही जवाब दीजिए और LED जीतने का मौका पाइए। आप अपने जवाब हमें रात 12 बजे तक ही भेज सकते हैं। आज के विजेता का ऐलान कल रात 8 बजे वंदे मातरम शो में किया जाएगा।